पर ऐसे मूव बने उस छोटे से, से सेशन में और उसके पीछे वैलिड रीजंस थे क्या रीजंस हैं एक बार रिविजिट कर लिया जाए यतिन स्टूडियोज में रेडी है यतिन क्या कहानी है नेस्ले की पहले तो यार वो नेस्ले का नाम सुन के ना मैगी की याद आई वो लंच आप मंगाने वाले थे कुछ ऑर्डर किया आपने स्विगी घर बाट के बुजुर्ग बैठे हैं सबको विंडो पे दिखाइए प्लीज घर के बुजुर्ग बैठे हैं स्क्रीन <laughs> पे आप मुझसे बोल रहे हो कौन बैठा है गावा सर यार यार मतलब बुजुर्ग बोल के यार ऐसा मत करिए सॉरी दिल है हमारे काबा हाँ, साहब यस यस क्यों Sorry, और क्लब बुला रहे हैं हमको वेटरन वेटरन जो हैं उनके सामने आप मुझसे पूछ रहे हो यार तो काबा साहब भी चुप में बोला ऑडियो ही नहीं आ रहा ऑडियो कट है मेरा <laughs> <laughs> नेस्ले की कहानी क्या है तो देखिए नेस्ले की कहानी ये है कि जो प्रपोजल था रॉयल्टी बढ़ाने का है? वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने वोट आउट कर दिया है जो सेबी का नियम है और जो प्रैक्टिस है वो ये है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होता है उसका मेजोरिटी वोट लगता है रॉयल्टी जैसी सब्जेक्ट्स पे अभी करंटली लगभग साढ़े चार परसेंट के आसपास की रॉयल्टी थी जो नेस्ले के हिसाब से सवा पाँच परसेंट होनी थी अगले पाँच सालों में यानी हर साल लगभग पंद्रह पैसों से यानी पॉइंट से ये रॉयल्टी बढ़नी थी यानी पौने परसेंट की जो ये वृद्धि थी रॉयल्टी में इसको शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है नेस्ले ग्लोबल के लिए क्योंकि बहुत अच्छा रॉयल्टी का पोर्शन उनको मिलता है नेस्ले इंडिया से और कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ ये बताता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में रिटेल निवेशकों ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट किया और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं जुटा पाए नस्लिए इस पर्टिकुलर मामले में साढ़े चार परसेंट की रॉयल्टी ऑलरेडी बहुत हाई है तो शायद वो सवा पांच करते तो कोई लॉजिक नहीं होता और शायद इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रपोजल जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है जिसके बाद शेयर में आप दो से ढाई परसेंट की तेजी देख रहे मतलब अब ये टेबल पर प्रपोजल है ही नहीं अब साढ़े चार परसेंट पर ही रॉयल्टी रहेगी अब कोई विकल्प बिल्कुल ये आशीष है ना थर्टी जून को अमल में लाना था यानी फर्स्ट जुलाई से ये अमल में आ जाता अगर ये वोट हो जाता लेकिन ये वोट रिजेक्ट हो गया तो ये जो इंक्रीज रॉयल्टी है वो पहली जून से या पहली जुलाई से लागू नहीं होगा तो जो रॉयल्टी पुरानी थी साढ़े चार परसेंट उस पर अटक गया मामला अब बढ़िया शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर भाई नहीं तो पंद्रह पंद्रह बेसिस पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते पांच साल में पिछहत्तर बेसिस पॉइंट बढ़ जाती साहब नेस्ले सेशन का हीरो है अब तक का। पे कैसा प्लेज नजर आता है तो देखिए करेक्टिव मूव में था आज स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है स्टॉक uh, में जिस तरीके के मोमेंटम बने हमें लगता है यहाँ पे जो इमीजिएट अपसाइड है वो 25 30 की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है 25 30 का अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट फिर छब्बीस की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है तो स्टॉक में अगर हम डेली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रजिस्टेंस ट्वेंटी फाइव थर्टी के आसपास वो लेवल को अब वॉच करना चाहिए अगर उसके ऊपर आज ये क्लोज करता है